इस वीडियो में हम आईपीएल हिस्ट्री की टॉप 5 टीम चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच टीम रिकॉर्ड्स एंड प्लेइंग 11 कंपेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं पांचों टीम की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। कोलकाता नाइट राइडर्स वेस्ट बंगाल की राजधानी शहर कोलकाता में स्थित है। चेन्नई सुपर किंग्स तमिलनाडु की राजधानी शहर चेन्नई में स्थित है। सनराइजर्स हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी शहर हैदराबाद में स्थित है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कर्नाटका की राजधानी शहर बेंगलुरु में स्थित है और मुंबई इंडियंस महाराष्ट्र की राजधानी शहर मुंबई में स्थित है। कोलकाता नाइट राइडर्स की कैप्टन श्रेयस अय्यर, चेन्नई सुपर किंग्स की कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, सनराइजर्स हैदराबाद की कैप्टन पैट कमिंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कैप्टन फाफ डुप्लेसिस और मुंबई इंडियंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या। कोलकाता नाइट राइडर्स के वाइस कैप्टन नीतीश राणा, चेन्नई सुपर किंग्स के वाइस कैप्टन रविंद्र जडेजा, सनराइजर्स हैदराबाद के वाइस कैप्टन भुवनेश्वर कुमार, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के वाइस कैप्टन विराट कोहली और मुंबई इंडियंस के वाइस कैप्टन जसप्रीत बुमराह। कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच चंद्रकांत पंडित, चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग, सनराइजर्स हैदराबाद के कोच डेनियल बेटुरी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कोच एंडी फ्लावर और मुंबई इंडियंस के कोच मार्क बाउचर। कोलकाता नाइट राइडर्स के ओनर शाहरुख खान, चेन्नई सुपर किंग्स के ओनर एन श्रीनिवासन, सनराइजर्स हैदराबाद के ओनर सांटीबी नेटवर्क, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ओनर यूनाइटेड स्पिरिट्स और मुंबई इंडियंस के ओनर रिलायंस इंडस्ट्रीज। कोलकाता नाइट राइडर्स के होम ग्राउंड ईडन गार्डन स्टेडियम, चेन्नई सुपर किंग्स के होम ग्राउंड एएमए चिदंबरम स्टेडियम, सनराइजर्स हैदराबाद के होम ग्राउंड राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम और मुंबई इंडियंस के होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम। आप बात करते हैं पांचों टीम के रिकॉर्ड्स के बारे में। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2008 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ आईपीएल डेब्यू किया। चेन्नई सुपर किंग्स ने 2008 में पंजाब किंग्स के खिलाफ आईपीएल डेब्यू किया। सनराइजर्स हैदराबाद ने 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ आईपीएल डेब्यू किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 2008 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ आईपीएल डेब्यू किया और मुंबई इंडियंस ने 2008 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ आईपीएल डेब्यू किया। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कुल 237 मैच खेली है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कुल 225 मैच, सनराइजर्स हैदराबाद ने कुल 166 मैच, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कुल 241 मैच और मुंबई इंडियंस ने कुल 247 मैच खेली है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने कुल 119 मैच जीते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने 131 मैच, सनराइजर्स हैदराबाद ने कुल 78 मैच, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 114 मैच और मुंबई इंडियंस ने 138 मैच जीते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की विन रेट 51.05, चेन्नई सुपर किंग्स की विन रेट 58.95, सनराइजर्स हैदराबाद की विन रेट 48.20, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की विन रेट 48.75 और मुंबई इंडियंस की विन रेट 56.65। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 114 मैच हारे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने 91 मैच, सनराइजर्स हैदराबाद ने 84 मैच, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 120 मैच और मुंबई इंडियंस ने 105 मैच हारे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की लोस्ट रेट 48.95, चेन्नई सुपर किंग्स की लोस्ट रेट 41.05, सनराइजर्स हैदराबाद की लोस्ट रेट 51.80, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की लोस्ट रेट 51.25 और मुंबई इंडियंस की लोस्ट रेट 43.35। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 मैच टाई किया। चेन्नई सुपर किंग्स ने 1 मैच, सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 मैच, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 3 मैच और मुंबई इंडियंस भी 3 मैच टाई किया। कोलकाता नाइट राइडर्स की 1 मैच की रिजल्ट नहीं मिली है। चेन्नई सुपर किंग्स के 2 मैच, सनराइजर्स हैदराबाद 0, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 4 मैच और मुंबई इंडियंस की 1 मैच की रिजल्ट नहीं मिली है। कोलकाता नाइट राइडर्स की बेहतरीन स्कोर 245 अगेंस्ट पंजाब किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स की बेहतरीन स्कोर 246 अगेंस्ट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। सनराइजर्स हैदराबाद की बेहतरीन स्कोर 231 अगेंस्ट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बेहतरीन स्कोर 263 अगेंस्ट पुणे वॉरियर्स और मुंबई इंडियंस की बेहतरीन स्कोर 235 अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद। कोलकाता नाइट राइडर्स की लोएस्ट स्कोर 67 अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। चेन्नई सुपर किंग्स की लोएस्ट स्कोर 79 अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। सनराइजर्स हैदराबाद की लोएस्ट स्कोर 96 अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की लोएस्ट स्कोर 49 अगेंस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस की लोएस्ट स्कोर 87 अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7 बार सेमीफाइनल खेली है।
चेन्नई सुपर किंग्स ने 12 बार, सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 बार, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 बार और मुंबई इंडियंस ने 10 बार सेमीफाइनल खेली है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 बार फाइनल खेली है। चेन्नई सुपर किंग्स ने 10 बार, सनराइजर्स हैदराबाद ने 2 बार, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 3 बार और मुंबई इंडियंस ने 6 बार फाइनल खेली है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 बार आईपीएल टाइटल जीती है। चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 बार, सनराइजर्स हैदराबाद ने 1 बार, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 0 और मुंबई इंडियंस ने 5 बार आईपीएल टाइटल जीती है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 1 बार रनर्स अप रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 बार, सनराइजर्स हैदराबाद ने 1 बार, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 3 बार और मुंबई इंडियंस ने 1 बार रनर्स अप रहे हैं। अब बात करते हैं पांचों टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। कोलकाता नाइट राइडर्स की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 2024। नंबर 1 विकेट कीपर बैट्समैन रहमानुल्लाह गुरबाज। नंबर 2 ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर। नंबर 3 कैप्टन एंड बैट्समैन श्रेयस अय्यर। नंबर 4 बैट्समैन नीतीश राणा। नंबर 5 बैट्समैन रिंकू सिंह। नंबर 6 ऑलराउंडर आंद्रे रसेल। नंबर 7 ऑलराउंडर सुनील नारायण। नंबर 8 फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क। नंबर 9 मीडियम फास्ट बॉलर चेतन सकरिया। नंबर 10 स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और नंबर 11 मीडियम फास्ट बॉलर वैभव अरोरा। इंपैक्ट प्लेयर मीडियम फास्ट बॉलर सुयश शर्मा। चेन्नई सुपर किंग्स की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 2024। नंबर 1 बैट्समैन ऋतुराज गायकवाड। नंबर 2 ऑलराउंडर रोचन रविंद्र। नंबर 3 ऑलराउंडर मोइन अली। नंबर 4 ऑलराउंडर डेरियल मिचेल। नंबर 5 बैट्समैन समीर रिजवी। नंबर 6 ऑलराउंडर शिवम दुबे। नंबर 7 कैप्टन एंड विकेट कीपर बैट्समैन महेंद्र सिंह धोनी। नंबर 8 ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। नंबर 9 मीडियम फास्ट बॉलर शार्दुल ठाकुर। नंबर 10 मीडियम फास्ट बॉलर दीपक चहर। नंबर 11 फास्ट बॉलर मतीशा पाटीराना। इंपैक्ट प्लेयर बैट्समैन अजिंक्य रहाणे। सनराइजर्स हैदराबाद की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 2024। नंबर 1 बैट्समैन ट्रेविस हेड। नंबर 2 ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा। नंबर 3 बैट्समैन राहुल त्रिपाठी। नंबर 4 ऑलराउंडर एडन मार्करम। नंबर 5 ऑलराउंडर हेनरिक क्लासेन। नंबर 6 ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर। नंबर 7 कैप्टन एंड फास्ट बॉलर पैट कमिंस। नंबर 8 बैट्समैन शाहबाज अहमद। नंबर 9 मीडियम फास्ट बॉलर भुवनेश्वर कुमार। नंबर 10 मीडियम फास्ट बॉलर टी नटराजन और नंबर 11 फास्ट बॉलर उमरान मलिक। इंपैक्ट प्लेयर बैट्समैन अब्दुल समद। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 2024। नंबर 1 कैप्टन एंड बैट्समैन फाफ डुप्लेसिस। नंबर 2 बैट्समैन विराट कोहली। नंबर 3 बैट्समैन रजत पाटीदार। नंबर 4 ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन। नंबर 5 ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल। नंबर 6 विकेट कीपर बैट्समैन दिनेश कार्तिक। नंबर 7 स्पिनर करण शर्मा। नंबर 8 ऑलराउंडर मयंक डगर। नंबर 9 फास्ट बॉलर अलजरी जशेफ। नंबर 10 फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज। नंबर 11 मीडियम फास्ट बॉलर यश दयाल। इंपैक्ट प्लेयर ऑलराउंडर महिपाल लमरर। मुंबई इंडियंस के स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 2024। नंबर 1 बैट्समैन रोहित शर्मा। नंबर 2 विकेट कीपर बैट्समैन ईशान किशन। नंबर 3 बैट्समैन सूर्य कुमार यादव। नंबर 4 बैट्समैन तिलक वर्मा। नंबर 5 बैट्समैन टीम डेविड। नंबर 6 कैप्टन एंड ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। नंबर 7 ऑलराउंडर मोहम्मद नबी। नंबर 8 ऑलराउंडर गैरल कटजे। नंबर 9 फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह। नंबर 10 स्पिनर पीयूष चावला और नंबर 11 मीडियम फास्ट बॉलर दिलशन मधुशंका। इंपैक्ट प्लेयर ऑलराउंडर नेहल वाधेरा। तो गाइस अकॉर्डिंग टू स्टेट्स पर्सनल मुझे लगता है नंबर 1 पर आते हैं चेन्नई सुपर किंग्स, नंबर 2 पर आते हैं मुंबई इंडियंस, नंबर 3 कोलकाता नाइट राइडर्स, नंबर 4 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और नंबर 5 सनराइजर्स हैदराबाद। तो गाइस अकॉर्डिंग टू स्टेट्स आपको क्या लगता है ओवरऑल कौन सी टीम बेस्ट है कमेंट में बताइए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।